नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हिंदुओं को क्या बोला जा रहा है कि तुम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हो, तुम मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते हो, कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मनाया जाएगा, ना तो छुट्टी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सो कॉल्ड स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको बोला जा रहा है कि भैया ये लोग तो स्टूडेंट हैं, सीधे साधे लोग हैं। ये वही स्टूडेंट हैं जो शेख हसीना का गारमेंट भी उठा के लेके गए थे और पहन पहन के दिखा रहे थे, वही स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया प्रोटेस्ट चालू हुआ है, इंसाफ कीम करी छात्र जनता कर रही है प्रोटेस्ट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे अलग अलग छप रहे हैं। ये लोग पोस्टर लेकर के खड़े हो गए हैं भाई साहब कि हिंदू तुम पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनके दिमाग में ये सब ख्याल पक रहे हैं। तो भाई साहब, बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है? चचा, ओ यूनुस चचा, चचा तो आराम से बस मजे ले रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, सेलिब्रेशन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब हमको खाली ये टेंशन था कि चाइना और पाकिस्तान से प्रॉब्लम था। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको अब देखना पड़ेगा, कहाँ पे देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको कहाँ पे फेस करना पड़ेगा, बांग्लादेश के। क्यों हो रहे हैं सब चीजें, चला डिटेल में समझते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर बोलते हैं ना, एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पाकिस्तान पहले क्या करता था, पाकिस्तान के जो लीडर्स थे ना, वो फूड पे, जॉब पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात करते थे ना, तो कोई भी तालियां नहीं बजाता था उनके लिए। अरे यार जॉब चाहिए, फूड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नेता लोग इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू करते थे, इंडिया ये कर देंगे, इंडिया में ये मार देंगे, वो मार देंगे, एक तालियां पे तालियां बजती थी और वो बंदा इलेक्शन जीत जाता। वही सेम यहाँ पे हो रहा है कि भारत का जितना से ज्यादा विरोध करो, जितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाओगे, उतनी बढ़िया हो। तुम भारत को गाली दोगे तो मस्त, अरे क्या हो तुम यार, बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा एक बोलते हैं ना, पूरा वातावरण वहां पे फैलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं को बोला जा रहा है, तुम लोग वफादार हो, चलो वफादारी साबित करो। तो वफादारी कैसे साबित करोगे, अपने मंदिरों के ऊपर भारत विरोधी झंडे लगाओ। वाह भाई साहब, 22 सितंबर को लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में मदरसे के लड़कों ने देवी दुर्गा की मूर्तियों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया मंदिरों पे क्या करो, भारत विरोधी झंडे लगाओ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक चीज तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, 1971 में पाकिस्तानी वाले आर्मी वाले जो आए थे तो बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी औरतों का रेप कर दिए थे, बड़े दुख की बात है, बोलना पड़ रहा है। तो बहुत सारी औरतों का जब रेप किए तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। तो पाकिस्तान आर्मी क्या बोली थी कि हम बांग्लादेश की नस्ल क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ये नस्ल गंदी हो गई है, हम ऐसी नस्ल पैदा करेंगे जो पाकिस्तान से प्रेम करेगी, भारत से नहीं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ लोगों को जो ये बोल रहे हैं ना कि साबित करके दिखाओ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी साबित करके बताओ कि आप उनकी औलाद हो या नहीं, बस बाकी आप समझदार हो। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, 5 लाख रुपया दोगे तो भैया पूजा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, दुर्गा पूजा मनाई तो खैर नहीं, हिंदू त्योहार पर छुट्टी नहीं मिलेगी। अब ये देखिए जो संगठन है इंसाफ कीम करी छात्र जनता, इनका क्या मांग है कि देखिए हिंदू तो 2% रहते हैं तो कोई पब्लिक डे हॉलीडेज नहीं मिलने वाला है। ये लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं लिव्स ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, तुम लोग पूजा पाठ करते हो तो मुस्लिम समुदाय बहुत परेशान होता है, तुम लोग पूजा पाठ करते हो। इन्होंने 16 पॉइंट डिमांड किया है। पहला डिमांड क्या है भैया, मूर्ति विसर्जन नहीं करने का, दुर्गा पूजा नहीं करने का, रोड पे खड़े मतलब बांध करके कोई भी जगह पे मूर्ति मत बैठाओ, उसके वजह से बोलते हैं ना बहुत प्रॉब्लम होता है। यूज ऑफ गवर्नमेंट रिलीफ फंड्स फॉर फेस्टिवल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट की फंड है तुम उसमें बोल फेस्टिवल पे खर्चा कर रहे हो, ऐसी बड़ी बड़ी बात है जो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है कि आप मूर्ति रखते हो तो पानी दूषित होता है, ये होता है फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें, जैसे आप होली मनाते तो उसमें प्रॉब्लम होता है इनको। तो ये सब तो हो रहा है, तो चचा क्या कर रहे हैं, चचा मजे ले रहे हैं, यूएस में घूम रहे हैं, ये देखो कुमार दो में दोस्त मिले हैं, एकदम गले लगा रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका ने इनका बड़ा स्वागत किया, बोला रे मोहम्मद यूनुस तुम तो बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर ना तो मोहम्मद यूनुस ने एक शब्द बोला, ना तो बाइडेन ने कुछ बोला। अब यहाँ पे देखिए, ये तो अलग ही चल रहा है, इनका अलग ही चल रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये यूनुस चचा बड़े जोश में है। मेरे को समझ में नहीं आता कौन सी टट्टी खाते हो आप इतना ज्यादा। हाँ इनको पता होना चाहिए कि वही पाकिस्तान, ये बोलते हैं ना, अब बांग्लादेश में इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान हमारा सच्चा दोस्त है और हिंदुस्तान तो दुश्मन है। वही पाकिस्तान की आर्मी जिन्होंने क्या किया था, इनके 30 लाख लोगों को मार दिया था, बांग्लादेशियों को, और रिकॉर्ड में बताया गया 26,000 मारे हैं बस। वाह भाई साहब, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कम से कम 4 लाख से ज्यादा औरतों का रेप कर दिया गया था, 4 लाख से ज्यादा औरतों का रेप कर दिया गया था। जब भारतीय आर्मी पहुंची वहां पे तो पता चला कि जो औरतें वहां पे थी उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, उसमें से कुछ औरतें 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, मतलब 6 6 महीने, 3 3 महीने, 5 5 महीने की प्रेग्नेंट औरतें वहां पे बैठी थी, उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। अब ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ,
बहुत सारी जो औरतें थी जो 1971 में जिनके ऊपर रेप हुआ था, उन्होंने डिटेल्स में एक एक चीज को मेंशन करके बताया, न्यूज चैनल क्या करके बताया, सब चीजें बताया, क्लियर की। लेकिन यहाँ पे वाह क्या प्यार बढ़ रहा है भाई साहब। अब देखिए भारत को क्या करना चाहिए अभी इस समय, ये हमको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए चाइना से हमारा प्रॉब्लम था, पाकिस्तान से है ही है, बांग्लादेश से प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, म्यांमार भी इधर आप देखते हो हमेशा इशू चलते रहता है भैया, कभी ये आ गए कभी वो एंट्री कर दिए, तो ये तो पूरा क्षेत्र जानते हो डिस्टर्ब चल रहा है। अब प्लस श्रीलंका में नई गवर्नमेंट आ गई, वो तो पूरा बोलते हैं 90 इंडिया है, वो पूरा चाइना को फेवर करने वाली है। तो भारत इस समय बोलते हैं ना चारों तरफ से घिर चुका है, जैसे लग रहा है इसराइल का जैसे घिर चुका, वैसे हम घिर चुके हैं। मतलब अब कोई फ्रेंडली मतलब इनको निपटाओ इनको निपटाओ इनको निपटाओ, किससे किससे लड़ेंगे हम यार। तो एक काम करो पहले, अब देखिए हमको हमारा डिफेंस बजट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी बोलते हैं हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। डिफेंस बजट रहेगा ना तो पाकिस्तान तो कभी अकेले लड़ेगा नहीं, जब चाइना फेवर करेगा तो भी आएगा, अकेले इसकी हिम्मत ही नहीं है। बांग्लादेश की कभी हिम्मत नहीं होगी, बांग्लादेश कोशिश कर ले उड़ा दिया जाएगा एक ही दिन में। अब हमारे आईबी और रॉ को भी बोलते हैं ना थोड़ा सा लेवल अप सोचना पड़ेगा, कि बांग्लादेश में बोलते हैं ना तख्ता पलट हुआ, तो रॉ को बोलते हैं ना इसके बारे में पता था या नहीं पता था, इसको पब्लिकली कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये सब चीजें भारत को बोलते हैं ना थोड़ा सा स्ट्रांगली सोचनी पड़ेगी। हमको कोशिश करना पड़ेगा कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें, जिस तरह से हमारा बोलते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चालू है उस तरह से और तगड़ा करें, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब इनको क्या कर देंगे अच्छे से निपटा देंगे। तो आज तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया कि बांग्लादेश ये क्यों कर रहा है और बांग्लादेश चाहता क्या है। बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे पाकिस्तान चलता था, पाकिस्तान का जो हाल हुआ वही बांग्लादेश का भी होगा। आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।